अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे जो कोच हैं गैरी क्रिस्टल साहब, अब वो बस ज्वाइन कर ही लेंगे हमारी टीम को इन इंग्लैंड बिफोर द T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। एंड काफ़ी ज़्यादा बातें उनके बारे से हो रही हैं, कल भी बातें हुई कि भाई वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। एंड इसके अलावा आज भी खैर उनके स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई बाबर आजम पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है। पिछले कुछ सालों से बाबर आजम ने ही पूरी टीम को उठाया हुआ है अपने, उनके कंधों पे ही तमाम बैटिंग का जो दारोमदार है वो है या बोझ है। तो गैरी क्रिस्टन साहब का ये कहना है कि भाई हम मतलब ऐसे इकदाम करेंगे कि बाबर आजम से जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो, बाबर आजम से जो बर्डन है वो रिलीज़ हो, और ताकि वो फ्रीली अपना नेचुरल जो गेम है वो खेल सके। तो बहुत अच्छी बात है भाई, बाबर से जो प्रेशर है वो उस सूरत में रिलीज़ होगा कि बाबर को मतलब ये डर होता है कि बाबर के जाने के बाद पूरी टीम लाइन जो बैटिंग लाइन होती है वो बैठ जाती है। तो इसके लिए आप क्या ऐसे इकदाम करेंगे या किस तरीके से होगा कि भाई बाबर को अगर आप फ्री भी दो कि भाई जाओ और खेलो अपना फ्री गेम और फिर है कि पीछे संभाल लेंगे, तो और अगर नहीं संभाला जो कि हमेशा होता है तो फिर क्या होगा? वही बात है कि बाबर रिजवान ही आपकी पूरी बैटिंग है एंड वो करते हैं तो चलता है पाकिस्तान का जो बैटिंग है पाकिस्तान की वो चलती है। वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर कभी ऐसा होता है कि फ़खर चल जाए या और कोई चल जाए या इफ्तिखार हमारे भाई साहब चल जाए, लेकिन इफ्तिखार भी अभी तक कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल सके हैं या फाइटिंग इनिंग उन्होंने काफ़ी खेली है बट नॉट अ मैच विनिंग इनिंग। तो खैर उनका भी उनकी भी मैच विनिंग इनिंग का इंतज़ार है हमें। तो किस तरीके से बाबर फ्रीली होकर खेल सकता है ना, फिर वही बात है कि बाबर मतलब वही है कि हमारा 102 पे अगर 1 होता है बाबर के जाने के बाद, फिर हमारा 110 या 120 पे हमारी आधी या पूरी कहानी सिमटी हुई होती है। तो फिर वो किस तरीके से फ्रीली खेलेगा? और काफ़ी ज़्यादा बर्डन उस पर है, हमेशा से है। और यही मैं कहती हूँ कि भाई बाबर का जो मुवाजना किया जाता है दूसरे प्लेयर से, जैसे एक ज़माने में होता था ब्रायन लारा का मुवाजना होता था सचिन तेंदुलकर से, तो उस वक्त भी मेरा यही परसेप्शन होता था कि भाई सचिन तेंदुलकर के साथ वीरेंद्र सहवाग ओपन करते हैं, फिर 1 डाउन पर राहुल द्रविड़ आते हैं और एक बड़ी बैटिंग लाइनअप है और एक रिस्पॉन्सिबल उनकी बैटिंग लाइनअप है। जबकि अगर आप वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के पास जब ब्रायन लारा खेलते थे, जब कोई भी उनके पास अच्छा प्लेयर या कोई ऐसा रिलायबल प्लेयर नहीं था, तो ब्रायन लारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेलते थे एंड सचिन तेंदुलकर फ्रीली होकर खेल सकते थे। दैट्स वाई उस वक्त भी मेरा ज़्यादा जो एक है कि झुकाव या ज़्यादा मैं एक अच्छा प्लेयर जो कंसिडर करती थी वो ब्रायन लारा को करती थी। सेम एज विद बाबर आजम और विराट कोहली, कि भाई विराट कोहली अगर तो एक है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल लेते हैं और भी एक है कि मतलब मोमेंटम के साथ खेलते हैं, तो उनके पास भाई ओपन में आप देख लो तो उनके पास गिल थे, अभी तो खैर गिल नहीं है बट वही है कि शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे, देन कोहली आएंगे, देन इसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं वर्ल्ड नंबर 1 बैटर, इसके अलावा भी उनके पास एक अच्छी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है। एक ऐसी टीम जिसके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शुभमन गिल जैसे प्लेयर की जगह नहीं बनी, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर की जगह नहीं बनी, तो यू कैन इमेजिन कि भाई उनका जो स्क्वाड है वो कितना ज़्यादा ट्रिमेंडस है। तो वही बात है कि भाई विराट कोहली में कोई प्रेशर नहीं होता है कि भाई अगर मैं आउट हो गया तो टीम को कौन संभालेगा। इसी तरीके से भाई बाबर पे बहुत प्रेशर होता है कि भाई अगर मैं चला गया तो इधर किसी से कुछ भी नहीं होना है। तो आई थिंक बाबर आजम को ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, और खैर देते भी हैं हम, लेकिन मिलना भी चाहिए कि वो पूरी बैटिंग लाइनअप को संभाल के बैठे होते हैं या पूरी जो इज्जत है वो बचा के बैठे होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो पूरी इज्जत हमारी लुट जाती है। एनीवेज तो आई थिंक ये एक पॉइंट है। और इसके अलावा खैर आपके जो बाबर आजम के बारे से बहुत सी बातें ये भी हो रही हैं कि भाई यू जो आपका कैरेबियन में वर्ल्ड कप है वहाँ पे थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होती हैं एंड दे थॉट कि भाई बाबर आजम की कमज़ोरी है स्पिन, और उसके लिए हवाले से वो स्टैट्स बताते हैं कि भाई बाबर आजम सबसे ज़्यादा डिसमिसल इन T20 आदिल रशीद हैं एंड आपके कौन हैं वो इशोडी साहब हैं, ब्रेसवेल वगैरह हैं, तो इस वजह से है कि बाबर आजम, जबकि आपने देखा हो ब्रेसवेल के अगेंस्ट तो बाबर आजम के 3 डिसमिसल तो इसी वर्ल्ड कप इसी सीरीज़ में थे, जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें थे और उससे पहले वाली सीरीज़ में, तो आपने देखा था तमाम में बाबर आजम अपना काम करके गए थे। लास्ट वाली जो सीरीज़ में जिसमें बाबर आजम ने 120 स्कोर की थी, याद होगा आपको, बिफोर दिस ये वाली जो T20 सीरीज़ हुई थी इससे पहले वाली T20 सीरीज, वो भी खैर पाकिस्तान हारा था, बट है कि जो ब्रेसवेल के अगेंस्ट बाबर आजम आउट हुए तो आई थिंक 2 में कुछ 3 में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद अपना काम करके वो ब्रेसवेल की बॉल पे आउट हुए थे एंड हमेशा वो अपनी गलतियों की वजह से हारे थे, सॉरी आउट हुए थे। ब्रेसवेल की कोई उसमें वो नहीं थी, कोई उनकी ब्रिलियंस नहीं थी ब्रेसवेल की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही बात है कि डॉन ब्रैडमैन की बात मुझे याद आ गई कि भाई जो क्रिकेट को नहीं समझते हैं वो स्टैट्स को देख के बात करते हैं। सो फिर वही बात है ना कि भाई स्टैट्स के हवाले से आप कहते हो कि बाबर की
की कमजोरी है स्पिन एंड ऑल, जबकि बाबर आजम ने आपको T20 वर्ल्ड कप जो फर्स्ट एज अ कैप्टन उसने खेला था, एज अ प्लेयर भी फर्स्ट T20 आई वर्ल्ड कप जो बाबर आजम ने खेला था, दैट वॉज 2021 वर्ल्ड कप, एंड उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे एज कैप्टन भी, उन्होंने मतलब तमाम कैप्टन में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे इन दैट वर्ल्ड कप एडिशन, एंड सबसे ज्यादा एज आई सेड भाई पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने बनाए थे, कुछ तीन हाफ सेंचुरीज थी उनकी और भी कुछ 30+ रन भी काफ़ी ज़्यादा थे, एंड वहाँ पे भी अगर आपको मालूम हो, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो, तो भाई दुबई या शारजा वगैरह में भी आपको जो कंडीशंस हैं वो स्पिन को सपोर्ट करने वाली होती हैं, एंड उधर भी बाबर आजम की ट्रिमेंडस परफॉर्मेंसेज हैं, तो मतलब ये बात नहीं कि बाबर आजम की कमज़ोरी है स्पिन एंड ऑल, या बाबर पेस को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिन, बट स्पिन को भी ट्रिमेंडस खेलते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन प्लेइंग स्पिन एंड ऑल एंड इस तरीके का। और जो भी स्टैट्स की आप बात कर रहे हो तो वही बात है डॉन ब्रैडमैन की बात, कि क्रिकेट को समझोगे तो पता चल जाएगा कि ब्रेसवेल ने कब किस तरीके से आउट किया और किस वजह से आउट हुए, सोडी से भी खैर अपनी उससे ही उन्होंने विकेट दिया, या आदिल रशीद के साथ थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं, राशिद खान के साथ भी स्ट्रगल करते हैं, इसके अलावा मैंने किसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। हाँ हाँ आउट हुए हैं, अपनी गलती से आउट हुए, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस जो कैरेबियन में वर्ल्ड कप होगा उसमें कुछ स्ट्रगल करने वाले हैं बाबर आजम। मुझे तो भाई इस बार बाबर आजम से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं एज कैप्टन, इंशाल्लाह ही परफॉर्म रियली वेल एज जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था 2021 में। इसके बाद करें इतने अच्छे उनके मेजर इवेंट्स नहीं गए, बट इंशाल्लाह इस बार अच्छा होने वाला है, बिकॉज इस बार उनको सपोर्ट भी है, जो आपका बोर्ड है उसकी तरफ से भी सपोर्ट है, एंड जब बोर्ड की तरफ से सपोर्ट आती है ना तो फिर प्लेयर्स को डेफिनेटली सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है भाई ही इज़ आर अथॉरिटिव कैप्टन, एंड हमको इसको करना है भाई फॉलो करना है, जो भी इसके जो कमांड वो आपको कर रहा है उसके मुताबिक चलना है। सो आई डोंट थिंक बाबर आजम भाई स्पिन के अगेंस्ट वीक हैं या इसके अगेंस्ट वीक हैं, ये सारी फजूली मुझे तो लगता है भाई फजूली बातें हैं। एंड खैर इसके अलावा जो आपका इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश होने वाला है न्यूयॉर्क में 9th of June को, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम रह गया है, आप लोग सब दुआ कर रहे हैं कि नहीं करें कि पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह। एनीवेज इंशाल्लाह नहीं करें तो करें, और कर रहे हैं तो आमीन कहूँगी मैं उस पर। एनीवेज आपके जो इंडिया पाक क्लैश होने वाला है काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से बातचीत हो रही है, यूसैन बोल्ट भी देखने आएंगे और भी सब जो उनके प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं फुटबॉल वगैरह के वो भी सब देखेंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा हमने बात की थी भाई टिकट्स भी बहुत ही ज़्यादा इनसेन प्राइजेस हैं, 60 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, 18 लाख इंडिया के रुपीज़ में, तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स क्या बिक ही चुकी हैं तमाम टिकट्स भी, तो जो एक्साइटमेंट लेवल है या जो एक ग्रेटेस्ट राइवलरी को देखने की जो एक तमन्ना है सबके दिलों में वो बहुत ही ज़्यादा अपने उरूज पे है, और इंग्लैंड में एट गबिस्टन जो क्रिकेट ग्राउंड है या जो क्रिकेट या क्रिकेट ग्राउंड है सॉरी, वहाँ पे भी बड़ी स्क्रीन पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखा जाएगा, तो भाई इतनी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हाइप मिलती है और फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 होती है तो बड़ा कुछ दुख हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही होती है उसको, और उसमें अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो एक वर्ल्ड वाइड नाम भी बनता है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम का हामी नासिर हो, पाकिस्तान की टीम की मदद हो, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इस बार इंशाल्लाह इंडिया को डिफीट दे दें वर्ल्ड कप। खैर काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा मीन्स होप्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड वही है कि अगर देखा जाए कंपैरिजन किया जाए तो ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार है, बॉलिंग में पेस बॉलिंग इतनी ज़्यादा ऑन स्पॉट नहीं है, स्पिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है, और बैटिंग ऑर्डर भी कुछ स्टेबल नहीं है, तो बट वही बात है कि हम अपने दिन पे सब कुछ कर लेते हैं, तो लेट्स जस्ट होप कि 9th of June हमारा दिन हो और हम अच्छी परफॉर्मेंस दें, अगर हमने बॉलिंग में अच्छा किया तो इंशाल्लाह फिर बैटिंग हो ही जाएगी, बाबर रिजवान फ़खर वगैरह सब हैं इंशाल्लाह अच्छा कर लेंगे, लेट्स जस्ट होप लेट्स जस्ट प्रे फॉर पाकिस्तान्स विक्ट्री इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया ऑन 9th June इंशाल्लाह। एनीवेज दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड आफ्टर टेक केयर।